प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पीएम विश्वकर्मा योजना एक नई योजना है जिसकी घोषणा हाल ही में भारत सरकार ने की है। इस योजना का उद्देश्य देश के कुम्हारों, लोहारों, परहियों और अन्य पारंपरिक शिल्पकारों को कौशल विकास और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नवीनतम तकनीकों के उपयोग से अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि कर सकें। इसके अलावा उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण कर सकें और नए उत्पादों का विकास कर सकें। इस योजना से कुम्हारों, लोहारों, बरहियों और अन्य पारंपरिक शिल्पकारों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपनी पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। योजना के तहत पात्र शिल्पकारों को 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये सहायता उन्हें उनकी कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण, नए उत्पादों के विकास और कच्चे माल की खरीद में मदद करेगी। इस योजना के तहत शिल्पकारों को नवीनतम तकनीकों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करने में मदद करेगा। इस योजना का उद्देश्य कुम्हारों, लोहारों, बरहियों और अन्य पारंपरिक शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना उन्हें अपनी पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। यह योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल विकास और उनका समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी हस्तशिल्प भवन या जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे: आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो। इस योजना के तहत आपको प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में भेजा जाएगा। उपकरणों के लिए आपको 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए आपको 1,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी हस्तशिल्प भवन या जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर नीलम बाजार के फेसबुक पेज को फॉलो करके उसमें जुड़कर इनबॉक्स में मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो हो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया, बदले में आपसे कुछ नहीं, बस एक लाइक और एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। बस आपकी यही प्रतिदान मेरे लिए बहुत उम्मीद बढ़ाएगा अगला वीडियो बनाने में। अगला वीडियो आने तक तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जिंदगी का मजा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।